भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले करनाल के लघु सचिवालय के बाहर चल रहे किसानों के आंदोलन को समर्थन मिल रहा है। किसानों के आंदोलन को विभिन्न राजनीतिक दलों के साथ साथ अन्य किसान संगठनों का भी समर्थन मिल रहा है, जिसके चलते आज किसान आंदोलन के अंतर्गत करनाल की पुरानी अनाज मंडी में बड़ी संख्या में किसानों ने इकट्ठा होकर एक ट्रैक्टर रैली निकाली, जो शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए लघु सचिवालय पहुंची। यह ट्रैक्टर ट्रॉली यात्रा करनाल की पुरानी अनाज मंडी से प्रारंभ होकर नोवेल्टी रोड, वाल्मीकि चौक, कमेटी चौक से होते हुए लघु सचिवालय पहुंची। यहां पहुंचकर किसानों द्वारा जिला उपायुक्त निशांत कुमार यादव को अपना ज्ञापन सौंपा गया एवं जिला उपायुक्त को उनकी पैरवी करने की बात कही गई। किसानों ने कहा कि जिला उपायुक्त किसानों की बात मुख्यमंत्री तक पर्सनल इंटरेस्ट लेकर पहुंचाएं और समस्या के बारे में अवगत करवाएं। गौरतलब है कि किसान केंद्र सरकार द्वारा कृषि के क्षेत्र में लाए गए 3 अध्यादेशों के विरुद्ध लगातार धरने प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसमें पंजाब व हरियाणा के किसान ज़्यादा प्रभावी ढंग से आंदोलन कर रहे हैं। आज के आंदोलन में किसानों के अन्य संगठनों ने भी अपना समर्थन देते हुए किसान विरोधी अध्यादेश का जोरदार विरोध किया। किसान ट्रैक्टर ट्रॉली रैली में दूर दूर से किसान अपने ट्रैक्टर लेकर पहुंचे और अपना विरोध दर्ज करवाया। आप देख रहे हैं 3 कृषि अध्यादेशों के खिलाफ किसान बड़ी संख्या में करनाल के शहर के मुख्य मार्गों पर रोष प्रदर्शन कर रहे हैं। लघु सचिवालय पहुंचकर ज्ञापन देंगे। बड़ी संख्या में ट्रैक्टर ट्रैली लेकर आज किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। किसान मांग कर रहे हैं कि कृषि अध्यादेश जो लागू किए गए हैं वो किसान विरोधी हैं, उनको तुरंत वापस लिया जाए, परंतु सरकार उनकी तरफ कोई गौर नहीं कर रही, जिसके स्वरूप आज इनको ट्रैक्टर ट्रैली लेकर भारी रोष प्रदर्शन शहर के मुख्य मार्गों से करना पड़ रहा है। बड़ी संख्या में किसान रैलियों में हैं, काफी संख्या में ट्रैक्टर रैली आज करनाल के मुख्य मार्गों पर आपको दिखाई दे जाएंगे। भारतीय किसान यूनियन द्वारा आह्वान किया गया था कि विशाल ट्रैक्टर रैली के साथ आज रोष प्रदर्शन किया जाएगा, जिसके मद्देनजर बड़ी संख्या में ट्रैक्टर रैली शहर के मुख्य मार्गों पर दिखाई दे जाएंगे आपको। मैं सनी चौधरी, समाचार एक्सप्रेस के लिए। आप देख रहे हैं करनाल के कुंतला रोड से ये तस्वीरें, ट्रैक्टर रैली लेकर किसान रोष प्रदर्शन करने के लिए निकले हैं। करनाल के लघु सचिवालय पहुंचेंगे, पुलिस द्वारा पुख्ता प्रबंध किए गए हैं सुरक्षा के। शहर के कुंतला रोड, कमेटी चौक, नवल्टी रोड से होते हुए ट्रैक्टर रैली शहर के कुंतला रोड से गुजर रही है। आप ये तस्वीरें देखिए, किसानों का रोष प्रदर्शन। बड़ी संख्या में किसान केंद्र सरकार द्वारा कृषि के क्षेत्र में लाए गए 3 अध्यादेशों के खिलाफ रोष प्रदर्शन कर रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार एक्सप्रेस और ये तस्वीरें हैं कुंतला रोड की। भारतीय किसान यूनियन द्वारा पुरानी अनाज मंडी से एक ट्रैक्टर रैली निकाली गई है, जो शहर के मुख्य मार्गों से होती हुई कुंतला रोड से निकल रही है। पुलिस प्रशासन द्वारा पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। बड़ी संख्या में किसान ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर शहर के मुख्य मार्गों से गुजर रहे हैं। हम आपको बता दें कि 3 अध्यादेशों के खिलाफ बड़े दिन से किसान आंदोलनरत हैं और करनाल के लघु सचिवालय के सामने भी रुके हुए थे, परंतु सरकार अभी तक उनकी कोई आश्वासन नहीं दे पाई, जिसके रोष स्वरूप आज विशाल रैली निकाली गई है। आप ये देखिए तस्वीरें, मुख्यमंत्री के प्रति भी जो है देखा जा सकता है, जिसको लेकर प्रधानमंत्री जी ने ये किसान जी किस विरोध में निकाला जा रहा है? ये 3 अध्यादेश के विरोध में है।
जिनसे सरकार ने किसान की फांसी देने के काम में लागू किया। सरकार कहती है कि ये किसानों के हक में है। हम ये कहते हैं सरकार से कि वो हमारे साथ बात करो, अगर किसानों के हक में होते तो हम सड़कों पर क्यों आता किसान। आज किसान अपना काम छोड़ के, अपनी फसल छोड़ के और सड़कों पे है। अगर ये सरकार अभी नहीं मानती है इसके बाद हम कड़ा निर्णय लेंगे। अगर उसमें हमें बताना पड़ो तो आप ये देख रहे थे कि किसान कड़ा निर्णय लेने की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि अगर उनकी बात नहीं मानी जाती है तो आगामी दिनों में आंदोलन को विशाल रूप दिया जाएगा। हाँ जी, किस लिए निकाला जा रहा है, किस लिए निकाली जा रही है यहाँ पे? ये जो कृषि के तीन अध्यादेश सरकार ने लागू किए हैं वो किसान के बिल्कुल विरुद्ध है और उसमें किसानों के ऊपर से कटाराघात किया जा रहा है। जो किसान कहीं ज्ञापन लेने के लिए पहुंचे हैं किसानों से, आप सभी लोगों से अपील, जो इकट्ठा हो गए हैं ज्ञापन में हम मांग कर रहे हैं, जो ये तीन कानून बने हैं, हम तीन अध्यादेश हैं उसके कानून बन गए, हम उनको भी छेड़ना नहीं चाहते। हम सिर्फ एक मांग करें, MSP के ऊपर खरीद और उसका सही समय पर भुगतान, गारंटी का कानून बनाए सरकार, बस और हमने कुछ नहीं चाहिए। और आप आए, आपका स्वागत है, आपने एक अच्छा किसान होने का परिचय दिया, आपका स्वागत है किसान परिवार की तरफ से। और हम आपसे हाथ जोड़ के बात करें, अपने मुख्यमंत्री जी को समझाओ और किसान ने बचाओ। बिल्कुल, आपकी मैसेज जरूर सरकार तक, नहीं मारी वकालत भी करो। बिल्कुल वकालत, मैं सती चिट्ठी में चल जाएगा, मेल पर चला जाएगा। बिल्कुल जोर शोर से वकालत करेंगे आपकी, चिंता ना करो। और हम पूरा सरकार तक केंद्र सरकार में भी भेजेंगे कि भाई ये डिमांड है और इसको तुरंत जो है उस पर संज्ञान। आप ये भी कह दियो जी, आपकी तो बात उसे ये भी कहो कि पंजाब सरकार ने बना दिया, आपके दिन डरने में खाम खान है, क्यों बनाई ले रहे हैं? बिल्कुल कहेंगे, जब एक सरकार बना सकती है तो यहाँ भी बन सकता है, बन सकता जरूर कहेंगे। ठीक है, एक्सक्यूज मी सर, सर क्या कहना चाहेंगे, किसान संगठन आज पहुंचे थे करनाल ट्रैक्टर पर, आज हमारे जिले में करनाल में ज्ञापन दिया गया है किसानों की समस्या, विशेष रूप से जो तीन कानून लाए गए हैं उसके संदर्भ में, तो जो इनकी मांग है वो हम सरकार तक जरूर पहुंचाएंगे। प्रशासन को भी सहानुभूति है और हम धन्यवाद सर। तो आप देख, ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, वर्ल्ड क्लास केटरिंग, सेंट्रली एयर कंडीशन, लश ग्रीन लॉन्स, स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटनिंग, अ परफेक्ट वेन्यू फॉर वेडिंग, लॉन्चिंग एंड पार्टीज। राजघराना एंड ज्योति गार्डन एट JBD Banquets Enterprise.